हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी जीके ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसमें जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन लिया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं, जो आपके आने वाले अग्रगामी एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इस प्रश्न का आपके सामने चार ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, विलियम बैटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स, जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता हो, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा विलियम बैटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। इस प्रश्न का आपके सामने ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आप राइट आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आप राइट आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति होगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका है दल बदल कानून से, संघ की भाषाओं से, जम्मू कश्मीर से या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आप राइट आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा दल बदल कानून से। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, दल बदल कानून से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन है कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायु, विसुवियस। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आप राइट आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा किलायु। किलायु जो ज्वालामुखी है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आप राइट आंसर बताएं। इस प्रश्न का ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, भारत। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा चीन देश। एशिया के चीन देश में देश की सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद या चेन्नई। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा मुंबई। तो भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है। फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका है मीर, एडवेंचर, रोहिणी, पाथफाइंडर। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का आप राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा पाथफाइंडर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रंड कप किस खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का ऑप्शन है फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट, हॉकी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा फुटबॉल। ड्रंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। इस प्रश्न का ऑप्शन है
गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर पाए हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब